अज आपां गल करांगे महाराजा रणजीत सिंह जी की मौत तो बाद अंग्रेज पंजाब विचों की कुछ लुट के लेके गए, कोहिनूर हीरा अते खालसे का कीमती खजाना। जानकारी लई वीडियो नू एंड तक जरूर देखियो। 1849 विच महाराजा रणजीत सिंह जी की मौत तो बाद सिखां सामने एक बहुत वड्डी मुसीबत सी कि इन्ने वड्डे राज भाग नू संभालेगा कौन, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह जी वर्गी सोच रखण वाला कोई भी उच्च अधिकारी सिखां कोल नहीं सी बचिया। महाराजा रणजीत सिंह जी दे 9 पुत्तर सन, खड़क सिंह, ईसर सिंह, रतन सिंह, शेर सिंह, भाग सिंह, मुलकाना सिंह, कश्मीरा सिंह, पशोरा सिंह अते दलीप सिंह। उन्हां दा जो अपना खून सन ओह दो ही सन, खड़क सिंह अते दलीप सिंह। दलीप सिंह दी उम्र महाराजा रणजीत सिंह जी दी मौत समय 10 महीने सी, इसलिए उन्हां दे वड्डे भरा खड़क सिंह नू महाराजा घोषित करके गद्दी उपर बिठा दिता गया। पर खड़क सिंह कोई चंगा राजा बनने दे काबल नहीं सी। राज सांभण दे करीब 11 महीने बाद ही खड़क सिंह दा कातल उन्हां दी हवेली विच कर दिता गया। महाराजा रणजीत सिंह जी दे राज नू संभालना किसे होर दे बस दी गल नहीं सी। हुण एक बार फिर नवा राजा घोषित कर दिता गया जो कि नौ निहाल सी। सिख राज नू खत्म करन दीआं हजारां साजिशां रचियां गईआं। कोई चंगा राजा ना होण कारण सिखां लई बहुत औखा समां सी, कोई भी राज संभालण लई काबल नहीं सी। दुश्मन हजारां दी गिनती विच भुख अते डर हर पासे फैलिया होया सी। दुश्मनां दी हर चाल कामयाब हो रही सी। राज नू अंदरों खोखला कर दिता गया। शेर सिंह अगला राजा बन गया जिसने गद्दी दा मालक खुद ही घोषित कर लिया। पर उसदी किस्मत विच भी इह राज नहीं लिखिया होया सी, ओह भी जल्दी ही गोली दा शिकार हो गया। हुण सिखां कोल इक ही रास्ता बचिया सी, दलीप सिंह जो कि महाराजे की आखिरी पत्नी जिंद कौर का पुत्र सी। दलीप सिंह नू राजा घोषित करके सिखां ने आप ही कमान अपने हाथ विच लै ली। हुण तक सब खेरू खेरू हो चुकिया सी। 1843 विच दलीप सिंह नू राजा घोषित किया जिस समय उन्हां दी उम्र सिर्फ 6 साल सी। अंग्रेजां दीआं चलियां चालां कामयाब हो रहियां सन। 1845 विच अंग्रेजां अते सिखां विच पहली जंग हुई जिस विच अंग्रेजां दी जित हुई। फिर 1848 विच दूजी जंग हुई जो कि अंग्रेजां ने जीती। इस लड़ाई विच कोहिनूर हीरे नू सौंपण दी संधि भी हुई सी। जदों सिख इह लड़ाई विच हार गए, अंग्रेजां ने संधि मुताबक कोहिनूर हीरे दी मंग कीती। 29 मार्च 1849 विच सारा सिख राज खत्म हो चुकिया सी। फौजां तां मारियां जा चुकियां सन जां जंजीरां विच कैद सन। हुण अंग्रेजां ने दलीप सिंह जी उपर एक कानूनी दस्तावेज थोपिया। महाराणी जिंद कौर अते दलीप सिंह अंग्रेजां दी कैद विच सन। उन्हां कोल अंग्रेजां दीआं शर्तां मन्नण तों इलावा कोई भी रास्ता नहीं सी बचिया। इन्हां मंगां विचों सब तों पहली मंग कोहिनूर हीरा सी जिस उपर अंग्रेजां दीआं अक्खां बहुत पहलां तों टिकियां होईयां सी। सन 1849 विच कोहिनूर हीरा अंग्रेजां नूं सौंप दित्ता गया अते एक 10 साल दे छोटे बच्चे तों कानूनी कागजां उपर धक्के नाल साइन करवा ले। अंग्रेजां ने अपनियां माड़ियां नीतियां दा सबूत दित्ता। हुण पंजाब पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी दे अधीन हो चुकिया सी। उस समय खालसा राज दे खजाने कोल जो कीमती समान सी उसकी कीमत उन्हां दे एक दस्तावेज के हिसाब नाल 7 दसंबर 1849 तक 10 लख पाउंड दसी जाती है। अज उसकी कीमत 1,75,18,00,000,000 रुपए है। मतलब सोच के देखिए यह पैसा किन्ना होगा। सब तो वड्डी गल इस विच कोहिनूर हीरे की कीमत जोड़ी भी नहीं जो कि करीब 10 अरब पाउंड तो भी वध है। यह अंकड़े अपनी सोच तो भी परे हैं। एक कमाई देश पंजाब दी जो अंग्रेजा दे हाथ चली गई।